हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूखी अरबी की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूखी अरबी की सब्जी बनाने की सामग्री है 300 ग्राम अरबी। इसे हमने उबाल लिया है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, तेल, 1 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम अरबी को छील लेंगे। सारे अरबी को हमने छील लिया है। अब हम इसे हाथों पे थोड़ा तेल लगा लेंगे। लगाने के बाद अरबी को लेंगे और ऐसे दबा के अरबी को थोड़ा चिपटा कर लेंगे। इसी तरह से हम अरबी को चिपटा कर लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरह से करेंगे। सारे अरबी को हमने चिपटा कर लिया है। पैन गरम हो चुका है। इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अरबी में अजवाइन डालना बहुत जरूरी है। अब हम अरबी डाल देंगे। इसमें हम हरी मिर्च भी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने देते हैं। अरबी उबालने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए हम इसे थोड़ी कुरकुरी कर लेंगे। अब इसे हम पलट देते हैं। हमने सारे अरबी को पलट लिया है। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डालना अरबी में बहुत जरूरी है। धनिया पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच नमक। अरबी की सब्जी खाने के बाद गले में खराश सी होती है। अमचूर पाउडर डालने के बाद गले में खराश नहीं होती है, इसीलिए आप इसमें अमचूर पाउडर जरूर डालें। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से हरा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। सूखी अरबी की सब्जी बनके तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को प्लेट में निकाल लेंगे। सूखी अरबी की सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।